हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स। मध्य प्रदेश के नंबर वन चैनल फॉर डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा है, दिसंबर महीने का करंट अफेयर हम आप तक लेकर आए हैं जो 50 से भी ज्यादा क्वेश्चन लिए गए हैं। दोस्तों, इस बार हमने वीडियो को बोथ लैंग्वेज यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेने की कोशिश की है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों, अगर आप हमें कहीं भी फॉलो करना चाहते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या दोस्तों टेलीग्राम पर, तो सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं। आप उन पर जाकर आप हमें सर्च कर सकते हैं और टेलीग्राम से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलते हैं दोस्तों बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। इसका पहला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो इसका सही ऑप्शन है शिवांगी नेगी। शिवांगी नेगी भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फाइटर प्लेन उड़ाने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? जिसका सही ऑप्शन है भावना कांत। भावना कांत फाइटर प्लेन उड़ाने वाली भारत की पहली महिला बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलेन डी अवार्ड 2019 से किसे दिया गया है? जिसका सही ऑप्शन है मैसी, लियोनल मैसी को। मैन के लिए वेलेन डी अवार्ड 2019 दिया गया है और महिलाओं के लिए मैगन रेपेनो को वेलेन डी अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, मैगन रेपिनो यह यूएसए की रहने वाली हैं। अब वहीं बात करें दोस्तों मैसी की, तो मैसी को यह वेलेन डी अवार्ड 6 बार मिल चुका है, 2009, 2010, 11, 2012, 2015 और 19, यानी 2019 में वेलेन डी अवार्ड यह 6 बार मैसी को दिया गया है। मैंने आपको ईयर्स के साथ बता दिया है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ऐसे ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अल्फाबेट का सीईओ चुना गया है? तो इसका सही ऑप्शन है सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई को अल्फाबेट का सीईओ चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूनिसेफ स्नोफ्लेक वर्ल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है, यानी हु हैज बीन अवार्डेड द यूनिसेफ स्नोफ्लेक वर्ल्ड अवार्ड रिसेंटली? तो इसका सही ऑप्शन है प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा को यूनिसेफ स्नोफ्लेक अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, आपको बता दें प्रियंका चोपड़ा यूनिसेफ की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कहां झूला पुल बनेगा? जिसका सही ऑप्शन है ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर में नया झूला पुल बनेगा। आपको बता दें इस झूले पुल की लागत 156 करोड़ रुपए रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे सेक्सिएस्ट एशियन मैन का खिताब किसे दिया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन को सबसे सेक्सिएस्ट एशियन मैन का खिताब दिया गया है। वहीं बात करें अगर वुमन की, तो यह अवार्ड आलिया भट्ट को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पुलिस स्टेशन ऑफ मध्य प्रदेश हैज बीन अमंग द टॉप 3 पुलिस स्टेशन इन द रैंक इश्यूड बाय द सेंटर? यानी दोस्तों, केंद्र द्वारा जारी रैंक में टॉप 3 थानों में मध्य प्रदेश का कौन सा थाना रहा है? जिसका सही ऑप्शन है अजाक थाना। अजाक थाना जो बुरहानपुर जिले में स्थित है, यह केंद्र द्वारा जारी रैंकिंग में टॉप 3 थानों में तीसरे स्थान पर रहा है। अब दोस्तों बात आई है बुरहानपुर की, तो आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट बुरहानपुर के बारे में बता दें। असीरगढ़ का किला खूनी भंडारा यह बुरहानपुर में ही स्थित है। बुनकरों के शहर के नाम से बुरहानपुर शहर का नाम रखा गया। असीरगढ़ किला जो दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है, यह बुरहानपुर में ही स्थित है। और दोस्तों, अकबर की अंतिम विजय भी असीरगढ़ का किला ही रही थी। प्रदेश का एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय बुरहानपुर में ही स्थित है। प्रदेश का प्रथम चांदनी ताप विद्युत केंद्र भी बुरहानपुर में ही लगाया गया था। तो दोस्तों, इतने इंपोर्टेंट फैक्ट आपको बुरहानपुर के बारे में याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है, अवंती मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहां किया गया है? जिसका सही ऑप्शन है देवास में। देवास में अवंती मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों, आपको बता दें इस फूड पार्क का उद्घाटन हरसिमरत कौर, जो खाद्य और प्रसंस्करण मंत्री हैं, उन्होंने किया है और इसकी कुल लागत 150 करोड़ रुपए है। दोस्तों, अब बात आई है देवास की, तो कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट आपको देवास के बारे में बता दें। दोस्तों, प्रदेश का सर्वाधिक पवन चक्कियां देवास में ही स्थित हैं। देवास का प्रथम बायोडीजल जिला घोषित किया गया था। लेदर कॉम्प्लेक्स भी देवास में ही स्थित है। आईएसओ प्रमाण पत्र पाने वाला मध्य प्रदेश का पहला थाना देवास में ही बनाया गया है। दोस्तों, देवास में संगीतकार कुमार गंधर्व की जन्म स्थली भी रही है। तो कुछ ये इंपोर्टेंट फैक्ट आपको देवास के बारे में याद रखने हैं।
नेक्स्ट है 2019 का तानसेन सम्मान किसे दिया गया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है पंडित विद्याधर को। पंडित विद्याधर को 2019 का तानसेन सम्मान दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें तानसेन सम्मान ग्वालियर से दिया जाता है और जो पंडित विद्याधर हैं यह दोस्तों एक गायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सड़क दुर्घटना में मध्य प्रदेश सरकार कितने तक का खर्च उठाएगी? तो इसका सही ऑप्शन है 30,000 रुपए तक का। 30,000 रुपए तक का खर्च मध्य प्रदेश सरकार सड़क दुर्घटना में उठाएगी। अब दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दें इसके बारे में, तो यह जो स्कीम है वह सिर्फ 5 जिलों में लागू होती है, यानी 5 जिलों में जो भी दुर्घटनाएं होंगी उसका सरकार खर्च उठाएगी। तो यह 5 जिले हैं भोपाल, इंदौर, छिंदवाड़ा, रीवा और सतना। आपको एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दें दोस्तों, तो इन्हीं 5 जिलों में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट देखे गए हैं, यानी सड़क दुर्घटनाओं की जो संख्या है वह इन्हीं 5 जिलों में है, जिस कारण मध्य प्रदेश सरकार ने इनका खर्च उठाने की जिम्मेवारी ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई अकेडमी अवार्ड में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है? जिसका सही ऑप्शन है गली बॉय को। गली बॉय को एशियाई अकेडमी अवार्ड की सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में कहां गणित पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है सागर जिले में। सागर जिले के हरि सिंह और विश्वविद्यालय में गणित पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की क्रीम सिटी किसे बनाया जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है ओरछा को। मध्य प्रदेश के ओरछा शहर को मध्य प्रदेश की क्रीम सिटी के नाम से घोषित किया गया है और इसे आने वाले दिनों में ओरछा को क्रीम सिटी के नाम से भी जाना जाएगा। अब दोस्तों एक और इंपोर्टेंट फैक्ट बता दें, ओरछा अब टीकमगढ़ से अलग हो चुका है, जो हमारा नया जिला बना है निमाड़ी वहां पर स्थित है, यानी दोस्तों ओरछा अब निमाड़ी में स्थित है। फोर्ब्स की 1000 ताकतवर महिलाओं की लिस्ट में भारत से किसे चुना गया है? तो निर्मला सीतारमण को फोर्ब्स की 100 ताकतवर महिलाओं की लिस्ट में चुना गया है। दोस्तों इस लिस्ट में एंजेल मार्केल फर्स्ट स्थान पर हैं और निर्मला सीतारमण ये दोस्तों 34वें स्थान पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज रिसेंटली बीन चूजन एज अ मिस वर्ल्ड 2019? तो इसका सही ऑप्शन है टोनी एन सह हाल ही में मिस वर्ल्ड बनाई गई है। अब दोस्तों आपको बता दें टोनी एंस हैं यह जमैका की रहने वाली हैं और भारत की सुमन राव यह तीसरे स्थान पर आई हैं। एक और इंपोर्टेंट फैक्ट बता दें मिस वर्ल्ड 2019 का यह 69वां जो संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मंत्रालय ने कर्तव्य पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही ऑप्शन है एचआरडी मंत्रालय ने कर्तव्य पोर्टल लॉन्च किया है। दोस्तों ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद ने किसे ए ग्रेड दिया है? तो इसका सही ऑप्शन है देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय जो इंदौर में स्थित है, इसे राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद ने ए ग्रेड से सम्मानित किया है। आपको जैसे ही पता है देवी अहिल्याबाई इंदौर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा पानसेह तोमर राष्ट्रीय अवार्ड 2019 किसे दिया गया है? तो इसका दोस्तों सही ऑप्शन है निनासम हेंग गोडू जो कर्नाटक की हैं, इन्हें राजा पानसेह तोमर राष्ट्रीय अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों आपको बता दें यह जो राजा पानसिंह तोमर राष्ट्रीय अवार्ड है यह मध्य प्रदेश में ही दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजन टू डिलीवरी रोडमैप किस राज्य में लाया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है मध्य प्रदेश में विजन टू डिलीवरी रोडमैप लाया गया है। दोस्तों आपको बता दें रोजगार निवेश पर्यटन आदि को बढ़ावा देने के लिए विजन टू डिलीवरी रोडमैप मध्य प्रदेश सरकार लाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में श्रीराम लागू का निधन हुआ ये कौन थे? तो ये एक एक्टर थे, तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। दोस्तों ये मराठी और हिंदी के एक एक्टर थे और इनकी आत्मकथा लमाड़ थी। ये दोस्तों इनका हिंदी अनुवाद था मालवाहक, लमाड़ का जो मराठी में थी और इसका हिंदी अनुवाद था मालवाहक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर तो है मध्य प्रदेश जीएसटी टर्मिनल कहां बनाया जा रहा है? तो इसका सही ऑप्शन है इंदौर में मध्य प्रदेश जीएसटी टर्मिनल बनाया जा रहा है। अब दोस्तों बात आई है इंदौर की, तो कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट आपको इंदौर के बारे में बता दें। इंदौर मध्य प्रदेश की आर्थिक और मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश की मौसम वेधशाला इंदौर में ही स्थित है। सर्वाधिक जनसंख्या और वृद्धि वाला जिला भी इंदौर ही है।
दोस्तों इंदौर देश का एकमात्र शहर है जहां आईआईएम और आईआईटी दोनों स्थित हैं। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र भी इंदौर में ही बनाया गया है। लेजर किरण परमाणु ऊर्जा संस्थान भी इंदौर में ही लगाया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म स्थली जो महू है, यह भी इंदौर जिले में ही स्थित है। प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल गोमटगिरी भी इंदौर में ही स्थित है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और वित्त आयोग का मुख्यालय भी इंदौर में ही स्थित है। तो ये दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट आपको इंदौर के बारे में याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स सेलिब्रिटी इंडिया की लिस्ट में पहले स्थान पर रहे हैं, जिसका सही ऑप्शन है विराट कोहली। विराट कोहली फोर्ब्स सेलिब्रिटी इंडिया की लिस्ट में पहले स्थान पर रहे हैं। दोस्तों यह पहली बार हुआ है कि कोई प्लेयर यानी कोई खिलाड़ी फोर्ब्स सेलिब्रिटी इंडिया की लिस्ट में पहले स्थान पर आया है। दोस्तों इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं अक्षय कुमार और तीसरे स्थान पर हैं सलमान खान। IIFA यानी आईफा 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इसका सही ऑप्शन है इंदौर और भोपाल में। इंदौर और भोपाल दोनों शहरों में आईफा 2020 का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे दादा साहब फाल्के अवार्ड 2019 दिया गया है, जिसका सही ऑप्शन है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को दादा साहब फाल्के अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों दादा साहब फाल्के अवार्ड का 2019 में 50वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिनलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बनी है, तो इसका सही ऑप्शन है सना मरीन। सना मरीन यह फिनलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है, ये मात्र 34 साल की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विनिर्दिष्ट विधेयक में कितने मंदिर के ट्रस्ट अब तक एक ही कानून लागू होगा, तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों 6 मंदिर। मध्य प्रदेश के जो सबसे बेस्ट या सबसे बड़े 6 मंदिर हैं उनका जो ट्रस्ट होगा अब वह एक ही कानून लागू होगा और इसे मध्य प्रदेश विनिर्दिष्ट विधेयक के रूप में पारित किया गया है। अब ये दोस्तों 6 मंदिर कौन कौन से हैं तो आपको इनके बारे में बता दें, तो यह 6 मंदिर में से पहला है उज्जैन का महाकाल मंदिर, दूसरा है खंडवा के दादाजी दरबार, तीसरा है छिंदवाड़ा का जामसावली मंदिर, चौथा है इंदौर के खजराना गणेश मंदिर, पांचवे है मैहर का शारदा मंदिर और छठवां मंदिर है सीहोर का माँ सलकनपुर देवी मंदिर। इन सभी 6 ट्रस्टों पर अब एक ही कानून लागू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केनो और कयाक प्रतियोगिता कहाँ रखी गई है, तो इसका सही ऑप्शन है खरगोन जिले में। खरगोन जिले में केनो और कयाक प्रतियोगिता रखी गई है। अब दोस्तों आपको बता दें यह प्रतियोगिता नौकायान से संबंधित है। अब बात करते हैं खरगोन के कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट की। तो दोस्तों सुनहरा सोना जिसे कपास के नाम से जाना जाता है यह खरगोन में सबसे ज्यादा पाया जाता है। दोस्तों सबसे अधिक हाइड्रेम जल पंप खरगोन में ही स्थित है। बाजीराव पेशवा की समाधि यह खरगोन में ही स्थित है। देश का पहला मोबाइल बैंक खरगोन में ही चालू किया गया था। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन भी खरगोन से ही किया जाता है। संत सिंगाजी का मेला यहाँ पर लगता है। कपास अनुसंधान केंद्र भी खरगोन जिले में ही स्थित है। तो दोस्तों ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट आपको खरगोन के बारे में याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग विलेनियर इंडेक्स 2019 में किस भारतीय को चुना गया है, यानी दोस्तों विच इंडियन हैज बीन सिलेक्टेड इन द ब्लूमबर्ग विलेनियर इंडेक्स 2019, जिसका सही ऑप्शन है मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी को इस लिस्ट में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 25 फीट ऊंची अटल प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया जाएगा, जिसका सही ऑप्शन है दोस्तों लखनऊ में। लखनऊ में अटल बिहारी जी की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा और यह दोस्तों देश में 25 फीट ऊंची पहली प्रतिमा है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडू उत्सव किस जिले में मनाया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन है धार जिले में। धार जिले में मांडू उत्सव मनाया जाता है। अब दोस्तों बात आई है धार जिले की, तो कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट आपको धार के बारे में बता दें। दोस्तों फड़के स्टूडियो धार में ही स्थित है। राजा भोज की नगरी धार ही थी। दोस्तों बाघ की गुफाएं भी धार में ही स्थित है। मांडू मुख्य दर्शन स्थल भी धार में ही स्थित है। भारत का डेट्रॉइट पीथमपुर यह भी धार में ही स्थित है। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक धार ने धार किले का निर्माण कराया था। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान यह भी धार में ही स्थित है। जनजातीय जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला धार ही है। दोस्तों ज्ञानदूत परियोजना की डेहरी सराय से प्रारंभ की गई थी, यह धार में ही स्थित है। तो
तो ये दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट आपको धार के बारे में याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पचमणि उत्सव हाल ही में कहां मनाया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है होशंगाबाद में। होशंगाबाद में पचमणि उत्सव का मनाया गया है। अब दोस्तों बात आई है पचमणि की, होशंगाबाद की, तो कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट आपको होशंगाबाद के बारे में बता दें। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन इटारसी है और यह होशंगाबाद में ही स्थित है। होशंगाबाद में सिक्योरिटी पेपर मिल स्थापित की गई है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पुल तवा नदी पर बनाया गया है और यह होशंगाबाद में ही स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र इटारसी में लगाया गया है। दोस्तों प्रियदर्शनी इंदिरा पॉइंट पचमणि होशंगाबाद में ही स्थित है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सिंचित जिला भी होशंगाबाद ही है। दोस्तों बाबई में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ी कृषि भूमि है। अप्सरा रजत उचेतमाल जलप्रपात पचमणि यानी होशंगाबाद में ही स्थित है। तो दोस्तों ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट आपको होशंगाबाद के बारे में याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द इंटरनेशनल थियोरेटिकल वर्कशॉप ऑर्गेनाइज्ड इन मध्य प्रदेश, यानी अंतरराष्ट्रीय नाट्य कार्यशाला का आयोजन मध्य प्रदेश में कहां किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है दमोह जिले में। दमोह जिले में अंतरराष्ट्रीय नाट्य कार्यशाला का आयोजन किया गया है। अब दोस्तों बात आई है दमोह की, तो कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट आपको दमोह के बारे में बता दें। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाल श्रम श्रमिक जो है वह दमोह जिले में ही है। मध्य प्रदेश की पीतल नगरी के नाम से दमोह को जाना जाता है। कुंडलपुर जैन तीर्थ स्थल भी दमोह में ही स्थित है। बांदकपुर जो हिंदू तीर्थ स्थल है यहाँ पर शिव जी का भव्य मंदिर है, यह भी दमोह में ही स्थित है। कांसा पीतल बर्तन सेंटर भी दमोह में ही बनाया गया है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट दमोह के बारे में आपको याद रखने हैं। सुशासन इंडेक्स 2019 में कृषि के क्षेत्र में किसने टॉप किया है? तो ये दोस्तों क्वेश्चन जैसा कि बन गया, तो इसका सही ऑप्शन है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सुशासन इंडेक्स यानी गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2019 में कृषि के क्षेत्र में टॉप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य में देखी गई है? इसका सही ऑप्शन है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर देखी गई है। गुड़ कुड़ार महोत्सव कहाँ मनाया गया है? इसका सही ऑप्शन है दोस्तों निवाड़ी जिले में। निवाड़ी जिले में गढ़ कुड़ार महोत्सव मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की पहली हाथी कॉलोनी कहां बनाई गई है? तो इसका सही ऑप्शन है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में मध्य प्रदेश की पहली फर्स्ट एलिफेंट कॉलोनी बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे देश का पहला CDS बनाया गया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है बिपिन रावत। बिपिन रावत को देश का पहला CDS बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी टिकाऊ विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो इसका सही ऑप्शन है केरल राज्य। केरल राज्य नीति आयोग द्वारा जारी टिकाऊ विकास लक्ष्य में पहले स्थान पर रहा है। वहीं दोस्तों बिहार आखिरी स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे C.K. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है क्रिस श्रीकांत और अंजुम चोपड़ा। इन दोनों को C.K. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वां अंतर्राष्ट्रीय टहा का सम्मान किसे दिया गया है? जिसका सही ऑप्शन है दिलीप जोशी। दिलीप जोशी को 20वां अंतर्राष्ट्रीय टहा का सम्मान में चुना गया है। दोस्तों आपको बता दें यह जो अंतर्राष्ट्रीय टहा का सम्मान है यह इंदौर में आयोजित किया गया था। अब दोस्तों आपको दिलीप जोशी के बारे में बता दें तो इन्हें जेठालाल के नाम से बहुत से लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे थल सेना का अध्यक्ष बनाया गया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है मनोज मुकुंद नरवड़े। मनोज मुकुंद नरवड़े को थल सेना का नया अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका सही ऑप्शन है एडमिरल करमबीर सिंह। एडमिरल करमबीर सिंह भारतीय नौसेना के प्रमुख बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका सही ऑप्शन है एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार भदौरिया। ये भारतीय सेना के
नए भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बने हैं। अब दोस्तों यहां से जो तीन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये यहां पर ही देखने को आपको मिल गए हैं। इनमें से एग्जाम में आपको 100% एक ना एक कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए मैंने दोस्तों तीनों क्वेश्चन को एक साथ लिख के आपको दे दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ला लीगा किसे अपना भारत में ब्रांड एम्बेसडर चुना है? इसका सही ऑप्शन है क्रिकेटर रोहित शर्मा को। क्रिकेटर रोहित शर्मा को ला लीगा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा आज का डेली करंट अफेयर। दोस्तों आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम कहीं भी फॉलो कर सकते हैं। सारे के सारे जो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिए गए हैं आप उन पर जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं, जो भी चाहे कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए है तो दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर वह पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और पीडीएफ दोस्तों जो है उसकी लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में दी गई है, टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक दी गई है, तो आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, हैव अ नाइस डे।